हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति रावत। आज मैं बना के तैयार करूंगी ये खस्ता मठरी। चलिए स्टार्ट करते हैं मठरी बनाना। ये मठरी मैं सूजी से बना के तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 कप रवा ले लिया है। इसको मैंने मिक्सी में अच्छे से बारीक पाउडर बना लिया है, आटे की फॉर्म में तैयार कर लिया है। इसको हम अच्छा महीन पाउडर जैसा ग्राइंड कर लेंगे, जिससे ये बिल्कुल बारीक हो जाए। इसको हम ले लेंगे, इसमें नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालेंगे। तिल डाल लेंगे सफ़ेद वाले, थोड़े से 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ अजवाइन डाला है, थोड़ा सा रगड़ के डाला है इसको क्रश करके। मोयन के लिए ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। मोयन हमें इतना लगाना कि मुट्ठी बंद हो जाए। अच्छे से मोयन लगाने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका नरम आटा लगा के हमें तैयार करना है, क्योंकि हम ये सूजी से बना रहे हैं तो इसमें पानी ज़्यादा सोख करेगा। ये थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल के इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ा सा और ऊपर से पानी के छींटे दे देंगे इसमें, क्योंकि सूजी है ये तो पानी ज़्यादा सोख करेगी। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। यहाँ मैं एक साटा स्लरी बना के तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है, 1 आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक लिया है, आमचूर पाउडर लिया है, इसकी जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। यहाँ जीरा पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस साटा में मैं अब कॉर्न फ्लोर या फिर आप राइस फ्लोर 2 बड़े चम्मच के लगभग मिक्स कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, थिकनेस आप देख लीजिए। आटा भी हमारा सेट हो गया है, देखिए इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा पानी के छींटे दे के हम इसका नरम आटा लगा के तैयार कर लेंगे। नरम आटा मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा चकले पे तेल लगा के अच्छे से इसको बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा थिकनेस इसकी ज़्यादा रखेंगे, पूड़ी जैसी थिकनेस इसकी रखेंगे हम। इसको मैंने बेल के तैयार कर लिया है। जो साटा मैंने बनाया था उसको अब इस पे लगा लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे से। ये साटा लगाने से हमारी जो मठरी बनती है बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होती है, और जो मसाले मैंने यूज करे हैं इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो सादा एकदम बिना मसालों के भी इसको सिर्फ घी और कॉर्न फ्लोर से भी साटा लगा के सिंपल मठरी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ मसाला मठरी बनाई है तो मैंने मसाले भी थोड़ा सा यूज किए हैं। इसको अच्छे से रोल बना लेंगे और इक्वल साइज में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इक्वल साइज में मैंने कट कर लिया है। इसको हम ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा हथेली से दबा के इस तरह से भी इसको फ्राई कर लेंगे। एक बैच मैंने इस तरह से फ्राई किया है इसका। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने चढ़ा दिया था मीडियम हीट पे। इसको हम लो टू मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे, जिससे अंदर तक मठरी पक जाए। और कुछ मठरी को मैं थोड़ा सा बेलन से 1-2 बेलन लगा के इसको फैला लूँगी, थोड़ा सा बेल के इसको शेप दे दूँगी, थोड़ा सा पतला मठरी का शेप दे दूँगी। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। जो पहला बैच हमने फ्राई करने के लिए डाला था वो हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये भी बन के तैयार हो गया है। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। वो बैच फ्राई हो गया है, अब हम इस वाले बैच को फ्राई कर लेंगे जो मैंने बेल के तैयार करी थी मठरी। इससे इसकी सारी परतें खुल जाती है, एकदम खस्ता बन के तैयार होती है। याद रखें कि हमें इसको मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है, ना ज़्यादा तेज आँच पे करना है और ना लो फ्लेम पे करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करके तैयार कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये मठरी भी हमने अच्छे से फ्राई कर ली है और सारी मठरी हम ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। मठरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए। दिवाली स्पेशल मठरी बन के तैयार हो गई है। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।